मैडम मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, किस तरह से ये चलाया जाएगा? ये अभियान जो है हमारे यहाँ 1 तारीख से शुरू हो गया है। इसमें हमने भी स्कूलों में भी सबको जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कि जो 18 साल के हो रहे हैं या 1 तारीख तक हो जाएंगे वो अपना नाम 6 फार्म 6 पे भी बढ़ा सकते हैं। 7 में कटवाने के लिए, 8 में संशोधित और 8 काम में जो है वो आपका शुद्धि एक विधानसभा का एक जगह से जिस पार्ट में आप चाहते हैं विधानसभा का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए है। आप इसमें विद्यालयों का भी सहयोग जी जी इसको इसमें ये है कि हम मतलब भारत निर्वाचन आयोग का एक ये है कि उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो अनुपात है, महिला अनुपात, स्त्री का जो अनुपात है वो बहुत कम है, तो उसको लाने के लिए हमें सबसे पहले 18-19 साल के जो युवा मतदाता हैं उन पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि 18-19 साल के अधिकतर गांव में शादियां हो जाती हैं 18-19 साल में, तो जो यहाँ की लड़की है वो उसके कहीं और जाती है तो वो बहू के रूप में जाती है, तो उसका नाम वहाँ नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि कहते हैं कि आपकी लड़की का नाम यहाँ बढ़ा हुआ है। उसके लिए ही सबसे ज़्यादा ये है बेलों को ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ये देखे जहाँ जहाँ शादियाँ हुई, जहाँ जहाँ लड़कियाँ आई हैं बहू के रूप में, वो अपना जो है कम से कम वो उनका नाम यहाँ के फार्म 6 में बढ़ जाए और जहाँ वो रहती रही होंगी वहाँ काट दिया जाए। तो ये ज़्यादा जोर इस पर दे रहे हैं और उसके बाद फिर 18-19 के ऊपर वालों पे भी जोर दे रहे हैं कि इनका भी हमारे यहाँ जो रिपीट रेशियो है वो बढ़ जाए।